एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल कैसे हैं आप सभी लोग आज तो मतलब एक सेकेंड एक सेकेंड गाइस आज तो हाल बेहाल लग रहे हैं मुझे सब लोगों के क्या बात है मैडम आज मत पूछो क्या हाल चाल है अरे भाई क्या हो गया रनरअप तो बने कोई बात नहीं ये क्या कम है नंबर <coughs> टू पे आना कौन सा कम होता है आई टी आई प्यूर्स पे नहीं लगी है पक्का ठीक है हाँ जी कोई बात नहीं हमेशा <coughs> देखो हर सिचुएशन में हम इंडिया के साथ खड़े हैं है ना हमने अपना बेस्ट दिया है बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि नहीं मैम बेस्ट नहीं दिया ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था अरे होना बहुत कुछ चाहिए था जो परफॉर्म करता है ना उसको पता होता है घर बैठे ना बातें करना बहुत ईजी होता है हमने शुरू दिन से जब से वर... आप सोचो जितने मैच हुए सारे मैच इंडिया ने जीते अब ठीक है फाइनल में जा करके थोड़ी सी चीजें हमारे फेवर में नहीं हुई बट रनर अप ने इसी में हमें खुश होना चाहिए और ये बेस्ट था कोई बात नहीं आप चार साल और इंतजार करेंगे आ, दिल टूट गया है मैडम दिल फिर से जुड़ जाएगा है ना एक तो देखो थोड़ा सा कड़वा सच ये है कि तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो थोड़ा सा हम उसको हल्के में नहीं ले सकते इसका डर मुझे थोड़ा सा पहले से था खैर कोई बात नहीं हम्म चलो तो अब शुरू करते हैं भाई अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं कृपया करके दुख से बाहर आ जाएं सभी लोग जल्दी से ठीक है दुख से बाहर आओ फटाफट से और आज सारे क्वेश्चन वर्ल्ड कप के ही मिलेंगे आपको मतलब जो जो बीच में ग्रीन वाली स्लाइड्स होती है ना आज मैंने सारे वर्ल्ड कप के क्वेश्चन में देखूंगी मैं किसने ध्यान से देखा है पूरा वर्ल्ड कप मैच सो करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह कुछ खूबसूरत से शब्दों के साथ में द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लिम्ब जितनी ज्यादा चढ़ाई करोगे मतलब ऊंचाई पर पहुंचोगे जितने ज्यादा कि एक माउंटेनियर है जितने ज्यादा एफर्ट्स लगा करके जितनी ज्यादा ऊंचाई पर जाता है उतना ही अच्छा व्यू जो है वहां से नजर आता है है ना तो आप जितनी एफर्ट्स लगाओगे जितनी मेहनत करोगे आपकी सफलता जो है उतना ही निखर के आपके सामने आएगी और उसका मजा भी उतना ही आएगा तो जितना एफर्ट्स लगाओगे आपकी सफलता में चार चांद लगेंगे आपको मंजिल पर पहुंचने में बहुत ही मजा आएगा तो चलिए फिर इसी खूबसूरत से शब्दों के साथ करते हैं शुरुआत ठीक है हाँ हाँ कमल कुमार जी बेटा तुमको तो अलग ही दुख हो रहा है तुमको अलग ही हो रहा है कुछ ऐसा कुछ नहीं होता नितिन गिरी जी मैच फिक्स था ये वो कुछ नहीं होता है ऐसा ठीक है <coughs> चलो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा जिसके भी जिसने अभी तक नहीं किया है जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं क्योंकि यहीं पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता है जो अलर्ट सब्जेक्ट वाइज क्वेजेस पावर कैप्सूल्स सारे नोट्स आर्टिकल्स मैगजीन्स हर चीज मिलेगी और सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इसे इंस्टॉल कर लेंगे आप भाई आ जाओ पहली वाली न्यूज पे <coughs> पहली जो न्यूज है ये देखो किसके साथ में जुड़ी हुई है मिस यूनिवर्स बनी है दिस द ब्यूटिफुल लेडी ये जो खूबसूरत सा चेहरा आप देख रहे हैं ये बन गई है मिस यूनिवर्स आइए इनके बारे में बात करते हैं शैनी पैलियोसिस इनका नाम है ठीक है क्या नाम है शैनियो पैलेसिस पहले हम अपना कलर सेलेक्ट कर लेते ब्लैक ब्लैक मिक्स हो जाता है अच्छा तो ये क्या है अभी देखो मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करेंगे तो सेवनटी सेकेंड ये एडिशन था कौन सा एडिशन था सेवनटीन सेकेंड जो है ये एडिशन था अब इस एडिशन के अंदर एक ऐसी कंट्री है जो कहां से है मिडिल अमेरिका की कंट्री है ये जो है मिडल अमेरिका की कंट्री है ठीक है कौन सी कंट्री कंट्री का नाम क्या है निकारा गोवा निकारा गुआ. पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंट्री से किसी को मिस यूनिवर्स चुना गया है। है कि कोई फीमेल जो है यहाँ पर मिस यूनिवर्स गई क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट इनका नाम क्या हो जाएगा इनका नाम है शैनिस पेलासियोस ठीक है ये इनका नाम है हैंडराइटिंग समझ आ रही है सब लोगों को हां जी हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना चलो तो ये तो बात हो गई 72nd एडिशन की 2023 अब मुझे बताइए 2022 के अंदर जो है कौन बनी थी मिस यूनिवर्स हां जी कौन बताएगा इनका नाम क्या है बताओ फटाफट से तो देखो 2022 की बात करेंगे ये 71st एडिशन था ठीक है यूएसए की जो है महिला है उन्हें बनाया गया था मिस यूनिवर्स इनका नाम क्या है इनका नाम है आर बोनी गैब्रियल क्या नाम है आर बोनी गैब्रियल है ठीक है अच्छा ये बताओ मिस इंडिया 2023 जो है ये कौन चुनी गई है आपको बताना है, है जिसका अभी कौन सा फिफ्टी नाइन्थ ये एडिशन था किसको चुना गया नंदिता दास को चुना गया है तो जो नंदिता दास है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है राजस्थान से बिलोंग करती है अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट मिस यूनिवर्स इन इंडिया हमारे देश में पहली महिला कौन थी मिस यूनिवर्स बनने वाली जो कि 1994 के अंदर बनी थी क्या नाम है इनका सुष्मिता सेन ये सब लोग जानते होंगे जिसको नहीं पता है बड़ी ही शर्म की बात है फर्स्ट मिस वर्ल्ड इन इंडिया पहली भारतीय महिला जो कि क्या बनी थी मिस वर्ल्ड बनी थी ठीक है ये 1966 के अंदर बनी थी इनका नाम है रीता फारिया। तो ये चार और फैक्ट्स हैं आपको जो याद रखने हैं ठीक है ठीके? किसी आ, हाँ गुप्ता जी है भैया गुप्ता जी है नाय गुप्ता जी है चलो अब ठीक है नंदिता गुप्ता जो है ये बनी है क्या मिस इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इज इट ओके हाँ भाई अब चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज की तरफ ने, आज की न्यूज थोड़ा बोरिंग सी वैसे है लेकिन इंपॉर्टेंट है सारी पढ़नी है आप लोग को ध्यान से आप बीच बीच में इंटरेस्टिंग पूछूंगी मैं आपसे लेकिन हर क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग जो है वो रहेगा ही रहेगा देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ रीजनल कमीशन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एनिमल की हेल्थ के लिए एनिमल्स की हेल्थ के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है ठीक है चलो देखते हैं सवाल में क्या पूछा जा रहा है

16 नवंबर इसका आयोजन किया जाएगा किसके लिए किया जा रहा है ये एनिमल्स की हेल्थ के लिए किया जा रहा है आप सभी जानते हैं अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो ये जो है कौन से लिस्ट का विषय है तो आप कहेंगे कि मैडम मैं स्टेट लिस्ट का विषय है ठीक है हेल्थ जो है स्टेट लिस्ट का विषय है स्टेट लिस्ट में कितने हैं टोटल विषयों की बात करेंगे हम सिक्सटी वन है इनके ऊपर कौन कानून बनाता है स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है लेकिन इन सम समर्कमस्टांसिस या फिर इन कुछ एमरजेंसीज द पार्लियामेंट हैज राइट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट ये भी ध्यान रखना है आपको ठीक है चलो तो यहाँ पर एनिमल्स की हेल्थ के लिए क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन किया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है 13 से सोलह अच्छा थर्ट तो अगर मैं आपसे पूछूं <coughs> कि, कि किससे इसको यू नो you know, कि किसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है कौन इसको हेड कर रहा है इंडिया की तरफ से तो यहाँ पे आप देखोगे जो एनिमल्स वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है ये किसके पास में है पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास में है तो इन्होंने ही क्या किया है इस समारोह को हेड किया है ठीक है बस भारत जो है ये मेजबान देश हो जाएगा मई 2023 में पेरिस के अंदर जो है इसकी रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग हुई थी उसके आम सत्र के दौरान इसका अनाउंसमेंट किया गया था ओके बस ज्यादा कुछ नहीं आएगा यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं आएगा यहाँ से जो दो चार फैक्ट्स है ये याद रखना है एडिशन याद रखना है मिनिस्ट्री याद रखनी है कब से कब तक हो रहा है इसका आयोजन ये याद रखना है ठीक है नेक्स्ट हाँ आप देखो आपको आज सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो वर्ल्ड कप के क्वेश्चंस मिलेंगे इस वाली स्लाइड पर आप देखना ये कि कितने आंसर कर पाते हैं जो क्रिकेट से प्यार करता है उसको पता होने चाहिए सारे आंसर बताओ मुझे हाउ मेनी टाइम्स इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी बार होस्ट कर चुका है तो अगर मैं कहूं कि इंडिया जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप चार बार होस्ट कर चुका है ठीक है फटाफट से मेरे से पहले आपको आंसर करना है चार बार okay. Okay. लेकिन चार बार में भी क्या हुआ है कि इंडिया ने पूरी तरह से तो सिर्फ एक ही बार होस्ट किया है कब अगर मैं कहूं कंप्लीटली तो 2023 के अंदर होस्ट किया है इससे पहले तीन बार जो इंडिया ने होस्ट किया वो किसी ना किसी के साथ होस्ट किया है तो कुल मिलाकर कितनी बार हो गया चार बार होस्ट किया है इंडिया ने इसको इज इट ओके ठीक है तो सबसे पहले 1987 में हुआ था ये इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर के होस्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान ने इसको मिलकर के होस्ट किया था ठीक है उसके बाद वो 1996 के अंदर 1996 में जो हुआ इसमें तो इंडिया पाकिस्तान एंड श्रीलंका तीनों ने मिलकर के होस्ट किया था तीनों ने मिलकर होस्ट किया अच्छा 2011 वाले की बात करेंगे तो 2011 में इंडिया हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा और श्रीलंका होगा इन तीनों ने मिलकर के होस्ट किया था ठीक है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है नेम ऑफ द मैस्कट ऑफ 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री आईसीसी मैं वर्ल्ड कप इसका जो शुभंकर था वो क्या था कौन बताएगा शुभंकर बताओ जी शुभंकर मैस्कट एक तो था ब्लेज और दूसरा बताओ क्या था बस किसने चौके छक्के लगाए वो याद रहता है एग्जाम में तो और भी चीजें पूछी जाएंगी ना <coughs> ब्लेज और टोंक साइलेंट किलर क्या बात है तो एक तो हो जाएगा ब्लेज ठीक है एंड क्या हो जाएगा टोंक अभी जो ब्लेज है ये ये फीमेल है जो बॉलर को रिप्रेजेंट करता है ठीक है टोंक जो है ये क्या है ये मेल है ये बैट्समैन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार का जो फॉर्मेट था वो क्या था ये था सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट था ठीक है <clears throat> अच्छा कितनी टीमें थी इसके अंदर इसके अंदर थी 10 टीमें कितने मैच खेले जाने थे Is it okay? मैं सारे सारे करा करा रही रही का तक तक के सारे questions करा रही पीछे तक के पीछे तो डेथ हो चुकी है तो एक तो इनका नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है <clears throat> आपसे पूछा जा रही है किस फील्ड से इनका नाम जुड़ा हुआ था इनका नाम जुड़ा था आर्ट हिस्टोरियन से किससे आर्ट हिस्टोरियन के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ था और अभी रिसेंटली क्या है इनकी डेथ हो चुकी है तो एक तो इनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा देखो बीएन एन गोस्वामी चंडीगढ़ की आ, आ, वहां से तो इन्होंने अपने एजुकेशन वगैरह की है 90 की एज में क्या है इनकी डेथ हो गई 1933 के अंदर इनका जन्म हुआ था और इनका जो नाम है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है आर्ट के साथ में जुड़ा हुआ है पद्मश्री इन्हें मिल चुका है पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है इसलिए इनका नाम वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके हाँ जी सवालों पे आ जाओ आप इन हाउ मेनी प्लेसेस विल द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस बी प्लेड आप मुझे बताइए कि 2023 का ये जो वर्ल्ड कप हुआ है, है ना जो हमारी आशाओं को पूरा नहीं कर पाया ये कितनी जगहों पर खेला गया है आप बताओ कितनी जगहों पर खेला गया है तो ये जो वर्ल्ड कप है वो दस जगहों पर खेला गया है ठीक है अब ये दस जगह कौन कौन सी हो जाएंगे तो देखो दस जगह में है आपका हैदराबाद हो गया और कौन सा है अहमदाबाद जहाँ पे फाइनल मैच हुआ है अहमदाबाद हो गया चेन्नई जहाँ पे फर्स्ट मैच हुआ था चेन्नई हो गया मुंबई का वानखेड़ा स्टेडियम हो गया है ना मुंबई के अंदर भी तो इसका आयोजन किया गया और कौन कौन सी जगह थी धर्मशाला में किया गया धर्मशाला में हुआ दिल्ली में भी तो हुआ है इसका आयोजन है दिल्ली में भी इसका आयोजन किया गया और कौन सी जगह थी लखनऊ नवाबों का शहर ये भी कैसे बोल सकते हैं, लखनऊ हो गया है ना और कौन सा है पुणे हो जाएगा आपका और एक और था कोलकाता तो इतनी जगहों पर जो है वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया सेशन को एक बार इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी लोग ठीक है, देख रही हूँ मैं काफी सारे स्टूडेंट्स जो है सेशन में गायब है अच्छा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 तो दो नाम याद रखने हैं एक तो सचिन तेंदुलकर जी का नाम याद रखेंगे और दूसरा याद रखना है राजकुमार राव का राजकुमार राव जो है इन्हें क्या बनाया गया एम्बेसडर बनाया गया बिटवीन व्हिच कंट्री वाज द फर्स्ट मैच ऑफ आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 प्लेड जो फर्स्ट वाला मैच हुआ था ये किस-किस के बीच में खेला गया था तो आप सभी जानते हैं जो फर्स्ट वाला मैच है किस-किस के बीच हुआ था और कहां हुआ था ये चेन्नई के अंदर किया गया एमए चदंबरम स्टेडियम जो है एमए चदंबरम स्टेडियम जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया तो ये किस किस के बीच हुआ था न्यूजीलैंड एंड एंड इंग्लैंड न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड के बीच ये आयोजन हुआ था ठीक है यस नेक्स्ट न्यूज देखो जयपुर में लगेगा कॉली का एक स्टैच्यू जी जयपुर के अंदर क्या है कॉली का एक स्टेच्यू लगने जा रहा है ठीक है शाहरुख खान भी है शाहरुख खान भी है शाहरुख खान को भी बनाया गया है पहले शाहरुख खान का ही नाम आया था ग्लोबल लेवल पर सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे और राजकुमार राव को भी वर्ल्ड कप का जो है बनाया गया था ठीक है नेक्स्ट देखो इनमें से किस म्यूजियम में लगेगा कोहली का विक्स स्टैच्यू

कोहली का स्टेच्यू अच्छा यहाँ पर पहले से ही एक क्रिकेटर का स्टैचू बना हुआ है ऑलरेडी एक स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है आप मुझे बताइए किसका बना हुआ है से जो सबकी धुलाई करने के लिए जाने जाते हैं धोनी क्या होगा माही एम एस धोनी ओके तो इनका स्टैचू पहले से बना हुआ है अभी क्या है कोहली का स्टेच्यू जो है ये और बनाया जाएगा तो पचास शतक पूरे करने की जो असाधारण उपलब्धि है इसके लिए ओडीआई क्रिकेट में फिफ्टी वन लिए हैं इन्होंने वैसे तो फिफ्टी वन जो है इन्होंने अपना ये कंप्लीट किया है और इसी वजह से क्या है इनको इनका एक स्टैचू जो है वो यहां पे बनाया जा रहा है ये ध्यान रखिएगा ठीक है नेक्स्ट

अच्छा तो देखो प्राइज मनी की बात करते हैं कि यहाँ पे जो खिलाड़ियों को प्राइज मनी दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो टोटल प्राइज मनी रखा गया है वो थोड़ा अलग अलग कैटेगरी के, के अंदर होता है आपको बताने कि यहाँ पे कितना रखा गया तो टोटल कर, अगर मैं बात करूँ तो दस मिलियन डॉलर है कितना है दस मिलियन डॉलर है जो विनर होगा जीतने वाला उसको दिया जाएगा चार मिलियन डॉलर ठीक है और जो रनरअप रहेगा यहाँ पे जो रनर अप टीम होगी उसे कितना दिया जाएगा उसे दिया जाएगा दो मिलियन मिल्या, है ये बिलियन लिख दिया मैंने गलती से मिलियन होगा ठीक है दो मिलियन डॉलर उसको दिया जाएगा प्लेयर हैज स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप फास्टेस्ट सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर ये किसके नाम पे है सबसे ज्यादा जो सेंचुरी लेने का रिकॉर्ड है फास्टेस्ट सेंचुरी बोला है यहाँ पे फास्टेस्ट सेंचुरी लेने का जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम पे है हम्म hmm. क्या नाम है इनका इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ली थी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ली थी 2011 के अंदर 50 बॉल्स में इन्होंने 113 रन बनाए थे 50 में बनाए थे। कौन सी ऐसी है है? जो सबसे ज्यादा बार World Cup जीत चुकी है? आप भैया वही है जिसने अभी इस बार भी उसी ने जीता है क्या है कौन है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप इसने जीते हैं। 2023 वाला मिला करके देखा जाए तो ये छह बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है तो ईयर एक से पूछा जा सकता है कि कब कब जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड कप इसने जीती हैं। तो देखो भाई सबसे पहले तो देखा जाए 1987 में जीता फिर 1999 में जीता फिर 2003 में जीता 2007 में जीता 2015 में भी ठीक है कितने हो गए और 2023 हो जाएगा टोटल कितने हो जाएंगे छह वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है इंडिया कितनी बार जीता है आप सभी जानते हैं इंडिया दो बार जीता है 1983 में इंडिया ने जीता था वेस्ट इंडीज को हरा के फिर 2011 में हमने जीता श्रीलंका को हरा के ठीक है ये दो वर्ल्ड कप जो है वो हम जीत चुके हैं और 2023 के अंदर हम रनर अप रहे हैं <coughs> नेक्स्ट न्यू हेड ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप अपॉइंटेड आपको बताना है कि स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो है स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो है इसके क्या है नए हेड अपॉइंट किए गए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं आप देख सकते हैं मोदी जी हैं आपको ये मैडम मोदी जी को तो जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है पहले मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर के लिए भी यही वाली सिक्योरिटी होती थी वो बाद में जा कर के जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती थी ठीक है पहले कौन सी दी जाती थी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी पहले प्राइम मिनिस्टर को अब दी जाती है जेड प्लस सिक्योरिटी चलो तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसके नए हेड अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम क्या है क्या है इनका नाम शर्मा जी है हाँ पर भी हाँ आलोक शर्मा जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ठीक है आलोक शर्मा जो है इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये कहां से करते हैं उत्तर प्रदेश से ये करते हैं ठीक है अच्छा तो अगर मैं यहाँ पे एसपीजी की बात करती हूँ इसे बनाया कब गया था एस एस के अंदर बनाया गया किसने बनाया बाई पार्लियामेंट बिल पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ उसके बाद उन्नीस के अंदर इसकी स्थापना की गई थी ठीक है तब से ये क्या कर रहा है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है तब से ये अपना काम कर रहा है हाँ कोई बात नहीं मिस्टर सुकून सुकून रखो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा ठीक है डोंट वरी हाँ जी नेक्स्ट हु गोल्डन बैच अवार्ड इन द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप गोल्डन बेट का जो अवार्ड है ये किसने जीता था आपको बताने कि गोल्डन बेट का जो अवॉर्ड है ये किसने किसने जीता था हाँ जी कौन जीते थे शर्मा जी ने नहीं जीता था ए? शर्मा जी ने नहीं जीता रोहित शर्मा होगा करेक्ट आंसर ठीक है लेकिन अगर मैं 2003 की बात करती हूँ अगर मैं बात करूं 2003 की तो 2003 के अंदर ये जो है गोल्डन बैट अवार्ड ये किसने जीता सचिन तेंदुलकर ने जीता किसने जीता सचिन तेंदुलकर ने जीता था ठीक है इससे पहले 1999 की अगर हम बात करें 1999 की तो ये जीता था राहुल द्रविड़ ने ये जीता राहुल द्रविड़ ने ठीक है अगर बात करें नाइनटीन की तो ये जीता था तो ये नाम आपको यहाँ पर याद रखने ठीक है सचिन तेंदुलकर ने जीता 1996 सिक्स वाला भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम पे है तो ये आप सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर के नाम पे है ये छह बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं ठीक है थीके? छह बार खेल चुके इनका जो आखिरी वर्ल्ड कप है आखिरी वर्ल्ड कप इन्होंने 2011 के अंदर खेला था जिसमें इन्होंने 44 इनिंग्स में मात्र 44 इनिंग्स में कितने रन बनाए थे दो हजार दो रन बनाए थे ठीक है ये आ, मतलब डाटा ये उन्नीस से लेकर के और 2011 तक का है सिर्फ एक उसका नहीं है ये डाटा 1992 से लेकर 2011 तक का यह डाटा है ठीक है हाँ जी आगे चले नीचे भी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेंस्ट विच कंट्री डिड फॉर्मर इंडियन प्लेयर सचिन तेंदुलकर स्कोर हिज हंड्रेड सेंचुरी इन्होंने अपनी जो सोवी सेंचुरी पूरी करी थी ये किसके खिलाफ पूरी करी थी बताओ ये दो बता दो चलो सचिन तेंदुलकर ने अपना जो हंड्रथ सेंचुरी कंप्लीट करी थी किस देश के खिलाफ हाँ किसके खिलाफ करी थी बात श्रीलंका नहीं है बांग्लादेश है इसका आंसर क्या होगा बांग्लादेश के खिलाफ हंड्रर्थ सेंचुरी कंप्लीट करी थी ठीक है नेक्स्ट ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 आई है इंडिया के अंदर बताया गया टोटल जो है कितने यूनिकॉर्न कंपनीज हैं 72 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं और इसी के साथ में इंडिया जो है वो नंबर थ्री पे आ चुका है यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी होती हैं ये वो कंपनीज होती हैं ठीक है ठीके? जो पहले स्टार्टअप थी जिन ठीक है जो पहले क्या थी स्टार्टअप थी और पच्चीस हजार करोड़ से टर्न बढ़ाने के बाद में ये क्या बन चुकी है अब यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी हैं तो अब देखो भाई यूनिकॉर्न रैंकिंग आई है टॉप पे जो कंट्री है वो कौन सी हो जाएगी यूएसए नंबर टू पे कौन सा है चिंग चांग चू है और नंबर थ्री पे है इंडिया इंडिया की बात करेंगे 72 यूनिकॉर्न कंपनीज है इंडिया के अंदर 72 यूनिकॉर्न कंपनीज है इंडिया के अंदर यूएसए में कितनी है चाइना <coughs> में कितनी है 172 यूएसए में है 668 ओके okay. <coughs> तो ये यूनिकॉर्न कंपनीज की जो है लिस्ट आई थी बस इतना ध्यान रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट जी आ जाओ भाई क्वेश्चन पे द द नेम ऑफ मैनज क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया एंड पाकिस्तान 1987 1987 के अंदर जो वर्ल्ड कप मैच खेला गया था जो किस किस के बीच में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ उस मैच का नाम क्या था जैसे कि आज के टाइम पर आप देखोगे तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहा जाता है यही कहते हैं ना अभी जो कल वाला मैच था ये कौन सा था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप पहले इसे कुछ और कहा जाता था पहले इसे कुछ और कहा जाता था और ये क्या था प्रोडेंशियल मैच पहले क्या कहते थे प्रोडेंशियल कप कहते थे प्रोडेंशियल <laughs> कप कहते थे 1979 वाला भी और 1983 वाला भी प्रोडेंशियल कब कहा जाता था ठीक है उसके बाद क्या है चेंज होता चला गया फिर धीरे-धीरे आप जैसे कि आप देखोगे अगर बात करें 1987 की 1987 की तो रिलायंस कब कहा जाता था क्या रिलायंस कब कहा जाता था 1987 जो आंसर पूछा है ना इसका आंसर रिलायंस कप होगा रिलायंस कप के नाम से जाना जाता था फॉर 92 के अंदर 1992 के अंदर क्या कर दिया गया बान्सन एंड हज वर्ल्ड कप बान्सन एंड हैजु वर्ल्ड कप कर दिया गया इसका नाम ठीक है 1996 में फिर क्या जाना जाने लगा 1996 में विल्स वर्ल्ड कप विल्स वर्ल्ड कप 1999 में चेंज हुआ फिर 1999 से लेकर के अभी तक टिल नाउ क्या कहते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के नाम से जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इसको नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड मतलब सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो इवेंट है वो कौन सा है तो ये था अभी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 जो था ये था आपका जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप था आईसीसी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 वाला जो था ये सबसे ज्यादा देखा गया है जानते हो कितना 6.58 बिलियन इतने लोगों के द्वारा देखा गया अभी कल वाले का डाटा तो आया नहीं है हो सकता है कल वाले का डाटा ज्यादा हो ये तो मैंने आपको कल का अपडेट नहीं है इसके अंदर इससे पहले का है कल वाला भी कुछ बताया ही नहीं कितने लोगों ने देखा

तो एक तो अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा और दूसरा वेस्ट इंडीज में होगा अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया जाएगा ठीक है अच्छा अगर मैं पूछू इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये 2007 में हुआ पे साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था ठीक है नेक्स्ट हाँ भाई स्पेन में नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है है ना इनका ये क्लोज ऑफ फोटो है ये कह रहा है कि खुशी तो बहुत ही हो रही है चलिए भैया जानते हैं अमंग फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन इन नवंबर 2023 अभी स्पेन के जो नए प्रधानमंत्री बनकर आए हैं इनका नाम क्या है तो इनका नाम क्या हो जाएगा पेड्रोशेज नाम है इनका क्या नाम है पेड्रोशेज नाम है इनका तो सबसे पहले स्पेन के बारे में बात कर लेते हैं जो कंट्री है।, इसके जो लोकेशन है वो कहां पर मिलेगी साउथ वेस्ट यूरोप की ये कंट्री है ओके आज तो मुझे गर्मी लग रही है कभी तो ठंड लगती है साउथ वेस्ट यूरोप की ये कंट्री है स्पेन अगर पूछ लिया जाए इसके जो कैपिटल है ये क्या हो जाएगी तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और यहाँ पे करंसी यूज होती है यूरो जोन में कितने देश हैं 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 हो चुके कंट्रीज जो में आते हैं मतलब जिनकी करेंसी यूरो है 20th नंबर की कौन सी एड हुई थी क्रोएशिया ट्वेंटी नंबर की कंट्री कौन सी एड हुई थी क्रोएशिया ठीक है <coughs> तो इन्हें रीअपॉइंट किया गया एक बार फिर से बने 2018 से ही जो है ये इस पद पर बने हुए थे हम्म नेक्स्ट देखो ऑफ़ द द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज नॉट रिसीव्ड अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस देने पड़ेंगे आपको ओके 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 चलो हम देख लेते हैं कि किस किस को यहाँ पर मिला है है ना गोल्डन बॉल का जो अवार्ड है ये किस किस को दिया गया है बताइए किसने कमल कुमार कहाँ दिक्कत हो रही है रूबी पे तुम का उसको लेनी होगी तो क्लास लेगी उसको नहीं, ले, नहीं लेनी मर्जी है तुम परेशान क्यों हो रहे तुम अपनी क्लास पे फोकस करो इट हाँ बिल्कुल तो 1983 के अंदर ये जीता था रोजर बिन्नी ने रोजर बिन्नी ने ठीक है उसके बाद 1996 के अंदर अनिल कुंबले को मिला अनिल कुंबले का नाम याद रखेंगे और उसके बाद 2011 के अंदर 2011 में जहीर खान 2011 में जहीर खान इन विच वर्ल्ड कप वाज द नंबर ऑफ कवर ओवर रिड्यूस फ्रॉम सिक्सटी टू फिफ्टी आप सभी जानते हैं कि पहले आईसीसी वर्ल्ड कप में क्या हुआ करता था 60 ओवर खेले जाते थे लेकिन बाद में क्या हुआ ये जो ओवर है वो 50 कर दिए गए तो आपको वो ईयर बताना है कि कब ऐसा किया गया 60 से फिफ्टी जो ओवर्स किए गए ये कब किया गया वो ईयर कौन सा था कब किया गया 1987 में उस टाइम पर क्या बोला जाता था आईसीसी वर्ल्ड कप को इन विच ईयर वाज़ द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज़ प्ले पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया आपको बताने कि पहली बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया इसका जो आयोजन किया गया ये कब 1975 में किया गया था ठीक है और जो पहले तीन वर्ल्ड कप थे वो इंग्लैंड के अंदर ही हुए थे जिसमें से पहले दो जीते तो वेस्ट इंडीज ने थे मतलब कि 1975 वाला 1979 हो गया और 1983 हो गया इन तीनों का आयोजन जो है वो इंग्लैंड के अंदर किया गया इनमें से जो पहले दो हैं वो किसने जीते वेस्ट इंडीज ने जीते और 1983 वाला ये इंडिया ने जीता था ठीक है <coughs> तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है नेक्स्ट हां जी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं देखो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 एक इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं इनवेस्टिटी ऑफ इंडिया विल द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 बी हेल्ड अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस शहर में होगा इसका जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाएगा तो इसका आयोजन किया जाएगा दिल्ली के अंदर ठीक है है एक सेकंड सॉरी सॉरी ओह हैदराबाद में होगा इसका जो आयोजन है यह कहां हैदराबाद के अंदर किया जाएगा 15 से लेकर 18 नवंबर इसका आयोजन किया जाना अच्छा आयोजन करेगा कौन तो बाय प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ एसोसिएशन बाय प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ एसोसिएशन जो है इसका आयोजन किया जाएगा तो ये जो एसोसिएशन है ये जो एसोसिएशन है इसे कब बनाया जाता है 1972 के अंदर इसको बनाया गया ये क्या काम करती है प्लांट हेल्थ के लिए काम करती है जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको भी डिजीज हो जाती है उनके पत्ते या पत्तियां जो है हैं पे दाग पड़ जाते हैं खराब हो जाते हैं पेड़ भी जल जाते हैं तो जितनी भी बीमारियां होती हैं पेड़ों को प्लांट से रिलेटेड उन सभी के लिए ये क्या करती है काम करती है ठीक तो है तो अभी पंद्रह से अठारह नंबर हैदराबाद जो तेलंगाना की कैपिटल है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा दैट्स इट ओके हाँ भाई नेक्स्ट देखो इन विच ईयर द फर्स्ट वोमेन्स वर्ल्ड कप वाज प्लेड आपको वोमेन्स वाला बताना है कि जो फर्स्ट वोमेन्स वर्ल्ड कप है ये कब खेला गया था फर्स्ट जो वोमेन्स वर्ल्ड कप है कब खेला गया ये पहली बार 1973 के अंदर खेला गया नेक्स्ट है वेयर वाज ओनली टाइम व्हेन द क्रिकेट अपियर्ड इन द ओलंपिक्स एक बार ऐसा हुआ और सिर्फ एक ही बार पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स के अंदर खेला गया था उसके बाद ऐसा कभी ना हो सका वीडियो सही चल रही है हाँ भाई वीडियो स्टक तो नहीं हो गई है ना फोन में ऐसा दिख रहा था मुझे ठीक है सब बताओ तो कब ऐसा हुआ था वो ईयर बताना है कि कौन सा वो ईयर था जब पहली बार ओलंपिक्स के अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया दो हजार पच्चीस तो आया भी नहीं है हे भगवान तुम लोग क्या चाहते हो मैं मतलब बेहोश हो जाऊं तुम्हारे आंसर सुन के ऊपर पहुंच जाऊं या फिर टाइम से पहले मैंने पूछा है कि कब ऐसा हुआ ना कि कब ऐसा होगा पूछा है भगवान क्या करें ये पहली और आखिरी बार खेला गया था 1900 के अंदर ये समर ओलंपिक्स का आयोजन था जो कि कहा हुए पेरिस के अंदर हुए थे किसने जीता था ये वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप तो ये जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा के ग्रेट ब्रिटेन ने जीता फ्रांस को हरा के 1900 में उसी के बाद से जो है क्रिकेट को ओलंपिक से हटा दिया गया अब आ जाओ कि कब शामिल किया जाएगा ये भगवान तो 2028 वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा इसमें क्या इस जो ओलंपिक्स होंगे इसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा इन 2019? 2019 के अंदर जो है इसका आयोजन कहा किया गया था <coughs> इंग्लैंड में हुआ और जीता भी किसने था इंग्लैंड ने ही जीता था और इससे पहले 2015 वाला जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता और इस बार वाला भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता ठीक है नेक्स्ट हेलो नारियल कॉल सेंटर का uh, को अनवील किया गया कॉल सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है हेलो नारियल हेलो कोकोनट ठीक है तो ये जो अनवील किया गया है आपसे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इसको अनवील किया गया है तो बेसिकली ये क्या बनाया जा रहा है कॉल सेंटर बनाया जा रहा है क्या बनाया जा रहा है एक कॉल सेंटर बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है ये calls? एक पहले तो आंसर इसका सीबीडी <coughs> का मतलब है कोकोनेट डेवलपमेंट बोर्ड है इसने क्या किया हेलो नारियल जो है वो लॉन्च किया है क्यों लॉन्च किया कोकोनेट ट्रीज कॉल सेंटर फैसिलिटी अब यहाँ पर ये फैसिलिटीज दी जाएंगी कोकोनेट जो है नारियल के जो पेड़ हैं उनको उनको लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन के लिए क्या है एक कॉल सेंटर यहाँ पे डेवलप किया गया है ठीक है दैट्स इट तो हेलो कोगोरेंट कॉल सेंटर इसको ऑपरेट कहाँ से किया जाएगा इसको ऑपरेट किया जाएगा सीबी सी डी बी जिसका हेडक्वार्टर कोची के अंदर है वहां से इसको ऑपरेट किया जाएगा ये प्रोवाइड करेगा असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन टू कोकोनेट फार्मर्स जितने भी कोकोनेट की खेती करने वाले किसान हैं, फार्मर्स हैं, उन सभी को इससे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो इस कॉल सेंटर के माध्यम से दी जाएंगी ये इसका जो है पर्पज है ठीक है नेक्स्ट हु वोज द मैन ऑफ द मैच इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड इलेवन फाइनल इसमें मैन ऑफ द मैच कौन चुने गए थे जो 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल वाला इसके अंदर मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया था आज देख लो वर्ल्ड कप के भी आंसर आ नहीं रहे हैं तुमसे तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है यहां से भी तुम लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो एम एस धोनी क्या होगा आंसर एमएस धोनी मैन ऑफ द मैच चुने गए अगर मैं पूछू मैन ऑफ द सीरीज अगर मैं आपसे पूछू मैन ऑफ द सीरीज ये किसे चुना गया युवराज सिंह को मैन ऑफ द सीरीज जो है ये युवराज सिंह को चुना गया ठीक है और अगर पूछ लिया जाए आपसे कि गोल्डन बॉल का जो अवॉर्ड है ये किसे दिया गया जो मैंने पीछे आपसे पूछा था गोल्डन बॉल का अवार्ड तो ये मिला ज़हीर खान को ये मिला ज़हीर खान को ठीक है वेयर वाज द हेड क्वार्टर ऑफ आईसीसी एट द टाइम ऑफ इट एस्टेब्लिशमेंट जब आईसीसी को बनाया गया था यानी 1909 के अंदर तब इसका जो हेडक्वार्टर था ये कौन सी जगह पे था क्योंकि 2005 के अंदर ट्रांसफर किया है दुबई में आज के टाइम पर आप देखते हैं दुबई में इसका हेड मिलता है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पर ये जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी जगह पे था ये कौन बताएगा ये नहीं पता होगा किसी को भी है ना इसका नहीं पता मैडम लंडन कहा लंदन के अंदर ठीक है? होल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द फास्टेस्ट फास्ट सेंचुरी इन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फास्टेस्ट सेंचुरी का जो रिकॉर्ड है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के अंदर ये किसके नाम पे है किसके नाम पे है हम्म दीपेंद्र एस एरी के नाम पे है किसके नाम पे दीपेंद्र एस एरी के नाम पे एशियन गेम्स जो हुए थे आपके 2023 के अंदर मंगोलिया के खिलाफ इन्होंने नौ गेंद में हाफ सेंचुरी लगाई थी ठीक है जो अभी एशियन गेम्स हुए थे ना 2023 वाले तो मंगोलिया के खिलाफ सेंचुरी की इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम पे था युवराज सिंह ने 2007 के अंदर 12 गेंदों में ही इंग्लैंड के खिलाफ हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी तो इससे पहले जो है किसके नाम पे था इससे पहले याद रखिएगा युवराज सिंह के नाम पे था ठीक है नेक्स्ट Which of the is not a जाएंगे इसमें आपसे कौन कौन सी ट्रॉफीज होती है यहाँ पर है ना तो वो सारी ट्रॉफीज आपको यहाँ पे बताने जैसे की क्रिकेट में डोमेस्टिक ट्रॉफीज कौन कौन सी होती है देवदार ट्रॉफी हो गई विजय हजारे ट्रॉफी हो गई रणजी ट्रॉफी हो गई दिलीप ट्रॉफी हो गई मुश्ताक अहमद अली ट्रॉफी हो गई तो ये सारी कौन सी ये सारी ट्रॉफीज़ ट्रॉफीज़ हैं सब डोमेस्टिक है एक ऑप्शन में ईरानी इनमें तो से कौन सी ऐसी ट्रॉफी है जो कि क्या है डोमेस्टिक है इस विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी टू तो थाउजेंड ट्वेंटी थ्री अब भैया दो हजार तेईस वाली जो रणजी ट्रॉफी है ये किसने जीती तो ये जीती थी आप सभी जानते हैं सौराष्ट्र ने इसको जीता था किसने सोरास्ट्र ने किसको बेंगोल को हरा के जीता था बेंगोल को हरा के लेकिन अगर मैं 2022 वाला पूछूं तो ये किसने जीता था एमपी ने जीता था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज पॉपुलरली नॉन एज हॉलीवुड कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि हॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं देखो हर एक प्लेयर का क्या होता है निकनेम होता है तो अभी बताना है आपको कौन से पेड़ हॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं है किसी को पता शेन वॉन आप बता दो कौन सी कंट्री से ये तो सबको पता होगा शेन वॉन जो है क्या होगा आंसर शेन वॉन ठीक है नीचे लिखा हुआ एक बायोग्राफी है इस सेंचुरी इज नॉट इनफ के नाम से एक बायोग्राफी लिखी हुई है नीचे ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के नाम से आपको बताने कि ये बायोग्राफी किसकी है तो ये बायोग्राफी है किसकी सौरभ गांगुली की बायोग्राफी है ठीक है चलो और भी काफी सारे क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़े हुए लेकिन मैं आज आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगी तो ये सारे क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है जहां से क्रिकेट का क्वेश्चन बनेगा तो वहां से आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ठीक है इज इट ओके चलो है, जो में कर रहे है, थीके? जैसे की अभी एस एस सी जी दो हजार चौबीस का कैलेंडर आ चुका है और डिफेंस वालों के लिए भी काफी सारे एग्जाम्स हुए है जिनका नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप सभी को सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले रडर 247 से अगर आप तैयारी करते हैं जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है अभी कल या परसों हमने एक इवेंट किया था जिसमें आप लोगों को दिखाया भी था तो आप लोग भी क्या है सिलेक्शन ले सकते हैं ये होमवर्क है पहले तो होमवर्क नोट कर लो जिसका आंसर सब लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है ये क्या है होमवर्क है अब मैं आपको लेकर चलती हूं एप्लीकेशन पे <coughs> तो सबसे पहले गूगल क्रोम आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद टाइप कीजिएगा यहाँ पे और उसके बाद फर्स्ट वाली ही वेबसाइट होगी जिसपे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ऊपर आप देखेंगे ऑल कोर्सेज लिखा हुआ है ऑल कोर्सेज के ऊपर जाके क्लिक करना है तो सारे जो बैचेस है कोर्सेज है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएंगे और उसके बाद आपको देखना एग्जाम डिफेंस वाले यहाँ से देखेंगे ये आगे सारे डिफेंस के एग्जाम जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वही आपको लेना है काफी सारे एग्जाम्स की कर रहे हो तो महापैक पैक पे चले जाना अब वाला सेक्शन यहाँ मिलेगा क्लिक करने के बाद ब्रांच अपनी सिलेक्ट करनी है जैसे मैंने सिविल को सिलेक्ट कर लिया जो भी आपकी ब्रांच है वो और उसके बाद तमाम एग्जाम्स यहाँ दिए हुए हैं ये ऊपर एस एस सी जे पेट्री प्लस बी का नोटिफिकेशन आया हुआ ये के हो गए अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी एस एस सी जई अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हैं तो फिर आप महापैक पे जाइएगा इसमें सारे बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हो हर एक एग्जाम के लिए बैच इसमें आपको मिल जाएगा इस पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे आप क्लिक करेंगे तो व्यू ऑफर्स पे जाना आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना मिलेगा उसके लिए कोड पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे फिल करना वाई सेवन सेवन फोर कोई भी एग्जाम हो चाहे डिफेंस हो चाहे आपका इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी एग्जाम हो आपको वाई सेवन सेवन फोर ही रखना है ठीक है अप्लाई कर देना और अमाउंट देखोगे तीन हजार एक सौ छियानवे हो चुका है तीन हजार एक सौ छियानवे ऐसा नहीं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा कंप्लीट सिलेबस हर सब्जेक्ट का होगा तो यही वाला कोड सभी एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है चाहे आपके भाई बहन बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यही वाला कोड लगाना है आपने ठीक है इससे क्या है आपको सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा अभी यहाँ पे सेवेंटी सेवन लिखा है लेकिन अगर आप एप्लीकेशन से लेते हैं तो सेवेंटी एट मिलेगा और एप्लीकेशन का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप ठीक है इंजीनियरिंग वालों के लिए कमेंट सेक्शन में पिन भी किया हुआ है ऊपर ठीक है चलो ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही और अब आपसे मुलाकात करते हैं हम ग्यारह बजे वाले सेशन में ठीक है और करंट अफेयर की क्लास डेली आठ बजे होती है तो करंट अफेयर वाली क्लास में कल इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे टेक केयर एंड बाय